पिछले 3 सप्ताह से स्कूलें बंद है। आप शॉपिंग करने बाहर जाओगे तो आपकी बड़ी लंबी कतार लगी हुई है जिसके अंदर घंटों वेट करना पड़ता है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि 2 से 3 बंदे से ऊपर बने नहीं थे सुपर मार्केट में। उसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ जितने भी देवालय हैं अपने, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, वे भी सारे बंद कर दिए गए हैं ताकि ये संक्रमण आगे नहीं फैले। और सारी जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है सरकार को। सरकार ऐसा सख्त आदेश है कि आप घर से बाहर नहीं निकले। अगर आपको रोड पे या कहीं घूमते हुए पाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने का कोई महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। इत्थे जदों दा इसी ने पैर फसारे हैगे ने, इत्थे दी गवर्नमेंट सुचेत होई हैगी, इन्होंने सब तो पहला तो जी इत्थे अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद कीतियां कि बच्चों नू इस चीज़ नाल बच्चों नू कोई इफेक्ट ना पवे। और गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली इस चीज़ नू लैंदे होए सारा कुछ लॉकडाउन कर दिता है कंप्लीटली। इटली ना कोई बाहर जा सकता ना कोई अंदर आ सकता है, सारे ने अपने घर दे विच ही रहना है। और इन्हां दे मुताबिक तुसीं जो कुछ भी समान वगैरह भी शॉपिंग वगैरह भी करनी तां तुसीं अपने जिथे रह रहे उत्थे ही जा सकते, एक तो दूजे पिंड भी नहीं जा सकते। तुसीं देख सकते हो कि इन्ना ज़्यादा एक्टिव रहने वाला इटली, अज तुसीं सड़कां दी निगाह मारोगे तो कोई भी इन्ना रश नहीं है, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। सारे लोग बहुत सहमे हुए ने, डरे हुए ने, पर कर भी की सकते क्योंकि गवर्नमेंट का आर्डर यही है। और ज्यादा यहाँ के लोगों में इतनी हौसला बढ़ाई जो मेडिकल लोग, डॉक्टर और सब मेडिकल फील्ड में काम करने वालों के लिए है, वो ये है कि उनको हर रोज शाम को 9 बजे या तो हर कोई बाहर खड़े होकर उनके लिए म्यूजिक बजाता है या कोई उनके लिए मोमबत्तियां जलाता है। और ये उनको जो हौसला बढ़ाई देते हैं ये इनकी एक खासियत है।